भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं सरगुजा संभाग के प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय रायपुर में पत्रकार वार्ता लेकर कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख द्वारा पत्रकार वार्ता में धान खरीदी के समर्थन मूल्य पर दिए गए बयान को बाद टेपरिंग करने के आरोप पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ के पांव लंबे समय तक नहीं चलते। कांग्रेस के कुछ नेता ठीक ठाक नेता हैं जो सत्यता की ओर जाते हैं और सत्यता को मानते हैं, वैसे पर्दे के पीछे 80% नेता ये स्वीकार करते हैं कि मोदी सरकार की योजनाएं बेहतर है, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि मोदी सरकार या भाजपा के खिलाफत करना पड़ता है। कि झूठ के जो कहते हैं कि पांव लंबे समय तक नहीं चलते हैं, और हमारा ये मानना है कि कांग्रेस में भी कुछ नेता ठीक ठाक नेता हैं जो सत्यता की ओर जाते हैं, जो सही चीजों को मानते हैं। वैसे तो पर्दे के पीछे कांग्रेस के अधिकांश नेता, 80% से ज्यादा नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी के जो कथन है, माननीय मोदी जी की जो कार्ययोजनाएं हैं, वो सब बेहतर है। उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि वो आम जनता के बीच में और पब्लिक के बीच में उनको मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। और कल एक विषय जो मैंने कहा कि झूठ के पैर नहीं होते, सब चीज़ें सामने आ जाती हैं, कल यही हुआ कि जो कांग्रेस संचार विभाग के जो प्रभारी महासचिव हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश जी ने जो बुधवार को कल यानी राजधानी में जो पत्रकार के सामने स्वीकार किया, आप सब भी थे, आपके कैमरों में सब कैद है, कि धान खरीदी की जो 80% राशि है, तो हम लोगों ने भी बताया, सब आप स्वीकार भी करते हैं, एमएसपी क्या होता है सब जानते हैं, लेकिन कांग्रेस इसको नकारती रही, झूठ का पुलिंदा फैला कर कि नहीं हम ही पैसा देते हैं। लेकिन कल सत्यता सामने आई और जयराम जी ने कहा कि 80% राशि जो है वो केंद्र सरकार देती है, और बड़े विस्तार से पत्रकारों से उन्होंने बातचीत किया। अगर केंद्र सरकार, उन्होंने कहा था कल, कहा कि 2200 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, आज की स्थिति में यदि हम बात करें लगभग एमएसपी 2200 रुपये है, तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार शेष राशि, जो भी ये 2700 देते हैं, 2800 देते होंगे जो भी, तो शेष राशि जो है वो केंद्र की सरकार देती है। बहुत सिंपल सी चीज है कि, लेकिन इसको भ्रमित करने का काम, क्योंकि कांग्रेस का मत यह है कि कांग्रेस का जो किसान है पढ़ा लिखा नहीं, समझदार नहीं, इसलिए हम जो बोलेंगे वो मान लेंगे, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, उसका फायदा मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें नहीं आती। और अंततः जयराम रमेश एक वरिष्ठ नेता है बहुत लंबे समय से, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, जो एमएसपी है वो केंद्र की सरकार देती है और शेष राशि जो है वो राज्य सरकार देती है। ये कथन भी इनको आईने की तरफ साफ है कि केंद्र सरकार जो 2200 रुपये दे रही है, और 600 रुपये इनका विषय जो है कि भूपेश बघेल की जो सरकार है अपने दम पर पूरा धान खरीदने की जो बात कर रही है वो गलत बात है, और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रदेश के किसानों को बरगलाने का काम जो मैंने कहा। आश्चर्य की बात यह है, अब चलिए हो गया जो सत्यता आई सामने, मैंने जो कहा ऑन रिकॉर्ड यदि मैं कह रहा हूं, या तो गलती को स्वीकार करूं ये करूं, लेकिन जिस तरीके से लगातार झूठ बोलकर प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं, धान खरीदी की जो 80% राशि केंद्र की सरकार, हम कह रहे हैं, चावल खरीदकर प्रदेश सरकार को दे रही है। अब सबसे पहले जो कहते हैं कि इनका सबसे जो मास्टर स्ट्रोक था पिछली बार, कर्ज माफी का विषय था कि कर्ज माफी के नाम पर ही पिट थपथपाते रहेंगे, बाकी काम तो उन्होंने किया नहीं कुछ भी। कुछ इसकी सत्यता भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि घोषणा पत्र के वादों में सबसे पहला वादा जो इनका था, मैं इसके उदाहरण कुछ बता रहा हूँ, 8-10 उदाहरण आपको बता रहा हूँ, कि पहला वादा जो था वो किसानों की कर्ज माफी का था, लेकिन इरादा देखिए कि सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल ने अधिकतर किसानों की कर्ज माफी तो नहीं किया, लेकिन फिर से कर्जा माफी की बात आ रही है। अर्थात हमने पहले भी कहा है,
कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं, उनके पूरे कर्जे माफ़ नहीं हुए हैं, जबकि घोषणा पत्र को लेकर हम रोज़ पढ़ते हैं उसमें किसी प्रकार का नहीं था पूरा कर्जा माफ़ करेंगे और फिर से कर्जे माफ़ की बात कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न ये, किस तरह का कर्जा माफ़, पुराने टाइप तो नहीं कि किसी का करेंगे किसी का नहीं करेंगे, पहला प्रश्न हमारा है। दूसरा, एक अभी इन्होंने जो कहा कि मुफ्त जो पढ़ाई की एजुकेशन, पिछला घोषणा पत्र मैं आपसे आग्रह करूंगा कि देखेंगे कि कांग्रेस से मुफ्त शिक्षा घोषणा पत्र प्री प्राइमरी प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक लागू करने और छात्राओं के लिए नर्सरी से स्नातकोत्तर अर्थात पीजी तक की शिक्षा मुफ्त प्रदान करने का झूठा वादा पिछली बार किया था, पिछली बार भी था उनके छठवें सातवें में है मैंने देखा था, तो उन्होंने वादा पहले से किया था जिसमें 8वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क परीक्षा को छोड़कर छत्तीसगढ़ में लड़कियों को सरकारी संस्थानों में उच्च माध्यमिक और कॉलेज में मुफ्त शिक्षा के लिए कोई कदम इन्होंने नहीं उठाया। आरटी का जो चल रहा है वो तो है, लेकिन उसके अलावा इन्होंने इसको नहीं किया जो उन्होंने वादा किया था। अब ऐसे ही कांग्रेस सरकार ने जो हमने पहले योजनाएं चालू की थी, कॉलेज से निकलने वाले छात्रों को लैपटॉप टैबलेट हम देते थे, उस तमाम प्रकार की योजनाओं को भी इन्होंने बंद कर दिया था जो हमने लैपटॉप और टैबलेट देने का काम किया था। एक और जो इनका जो बड़ा घोषणा पत्र था, बिंदु के अलावा एक बड़ी कॉपी जो आई थी, वो आजकल दिखाते नहीं, आजकल 3 पन्ने का 36 पन्ना बस दिखा देते हैं वो, उसके अंदर में आप देखेंगे मेरे ख्याल से 47 पेज में है ये, उसमें उन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में गरीब परिवार को 4 गैस सिलेंडर देने की बात किए थे, पिछली बार 4 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार जा रही है छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को फ्री के 4 सिलेंडर नहीं मिले, पहला ये रहा, दूसरा एजुकेशन का रहा, तीसरा सिलेंडर का रहा, मगर फिर जनता को ठगने के लिए सब्सिडी की बात कर रहे हैं। महतारी सम्मान योजना के तहत भी सभी माताओं को हर महीने 2500 की राशि देने का वादा पिछली बार इन्होंने किया था, महतारी योजना वो है, ये भी इन्होंने नहीं किया, चौथा पॉइंट है। इसी प्रकार तेंदुपत्ता, कई बार पत्रकार मित्र सवाल करते हैं कि तेंदुपत्ता को इन्होंने 2500-4000 कर दिया, लेकिन कांग्रेस हर चीज में डंडी मारने में क्यों एक्सपर्ट है? ठीक है, आपको अनुभव है 75 साल का डंडी मारने का, लगातार 60 सालों का, लेकिन आज भी वो आदत बनी हुई है कि जहां कोई योजना है उसमें डंडी किस तरीके से मारे, पहले किस तरीके से निकलेगा माल, इसमें इन्होंने तेंदुपत्ता में किया। अब कैसे घोटाला किया कि तेंदुपत्ता में दिए जाने वाले बोनस को संग्राहकों तक न भेजकर नेताओं ने अपनी जेबें भरी, ये तो खैर आरोप है। इन्होंने तेंदुपत्ता संग्रहण, जैसे आपने ठीक है कि मैंने 2500 का 4000 दिया, लेकिन 2500 में जितनी मात्रा जाती थी उसको उन्होंने कम कर दिया, राशि बढ़ाया, मैनिपुलेट कर लिया। तो 2017 में जब हम सरकार में थे तो लगभग 17 लाख मानक बोरा संग्रहण हुआ था, उस समय 2500 में हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। वही 2021 में ये घटकर 13 लाख रह गया, 17 लाख से 13 लाख में आ गया, और वर्ष 2017 में प्रति मानक बोरा लगभग 8000 वन समितियों को प्राप्त हुआ था, 8000 वन समितियों को, जो 2021 में घटकर जो मैंने आपको डिफरेंशिएट किया वो 6800 पर रह गया, 1200 कम हो गया। अर्थात पैसा बढ़ा दो कम करो बराबर मैनिपुलेट करके अपना पैसा हम किस तरीके से बचाएं, ये चौथा पांचवा उदाहरण था। बिजली बिल छठवा, बिजली बिल का हम, आपने देखा है घोषणा पत्र में कि हम आधा कर देंगे वादा, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद बिजली के दामों को दुगना भी किया है, ये तो है ही हमारा आरोप, और पहले 400 यूनिट भी नहीं था, पहले तो आधा किया था, फिर उन्होंने 400 कर लिया मान लीजिए, तो 400 में लोगों को 400 आ गया, 400 हाफ होता नहीं है, जितना कंजम्पशन है उसका हाफ होता है, हो सकता है कम भी हो जाए, 300 तो आपको 150 का छूट मिले, लेकिन 400 का इन्होंने वादा किया था। अब ये 400 तक का फिक्स रेट करने वाले अब 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं,